वेलकम टू द डिफेंस क्लब दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे कि आपको वीडियो की अपडेट तुरंत के तुरंत मिलती रहे। और दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारे चैनल पर जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो एकदम वैलिड और जेन्युइन होता है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और आपके एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ मूव कर लेते हैं, ऐप कैट नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। टाइप ऑफ एंट्री एंड वैकेंसीज, ऐप कैट एंट्री इसमें तीन तरह के होते हैं, फ्लाइंग, जीडी और जीडी नॉन टेक्निकल। तो दोस्तों फ्लाइंग ब्रांच में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 42 वैकेंसी हैं और जीडी टेक्निकल के लिए परमानेंट कमीशन के लिए 22, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 30 और दूसरे में AEM के लिए परमानेंट कमीशन के लिए 10, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 14। एंड दोस्तों जीडी नॉन टेक्निकल के लिए इसमें आता है एड में परमानेंट कमीशन में 8, SSC के लिए 12, लॉजिस्टिक के लिए परमानेंट कमीशन में 1 और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 4 और अकाउंट्स के लिए परमानेंट कमीशन के लिए 3, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 5 और जो पढ़ाते हैं एजुकेशन वालों के लिए परमानेंट कमीशन 3, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 4। तो दोस्तों इसमें NCC स्पेशल एंट्री होती है जिसमें फ्लाइंग ब्रांच के लिए 10% सीट वो होती है CDS एग्जाम के थ्रू जो भी जाता है उसमें, और मेट्रोलॉजी ब्रांच के लिए GD जिसमें नॉन टेक्निकल के लिए परमानेंट कमीशन के लिए 10 सीट होती हैं और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 40। एजेंट टाइप ऑफ कमीशन, तो इसमें कितनी कितनी एज रिक्वायरमेंट होती है और किस कमीशन में जा सकते हैं। तो दोस्तों परमानेंट कमीशन होती है मेल कैंडिडेट के लिए और शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है मेल एंड वुमेन दोनों के लिए। एज की बात कर लें तो इसमें फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 साल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें अभी इस वाले नोटिफिकेशन के लिए 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 1999 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, वो उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए। और जीडी के बारे में बात कर लें टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए, तो उसमें 20 से 26 साल की एज रिक्वायरमेंट होती है और जो कि 2 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 1999 तक वैलिड होगी। और ट्रेनिंग की बात कर लें तो दोस्तों इसमें फ्लाइंग ब्रांच और जीडी के लिए, जीडी टेक्निकल के लिए 74 वीक्स की होती है और जीडी नॉन टेक्निकल के लिए 52 वीक्स की होती है। और दोस्तों ट्रेनिंग के टाइम पैन कार्ड और किसी भी SBI बैंक या कोई भी नेशनलाइज बैंक को वो मैंडेटरी होता है और आधार कार्ड भी कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन के लिए। फॉर्म फिलिंग के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ऐप कैट फॉर्म फिल करने के लिए 250 रुपीज़ का चार्ज देना होगा जो कि ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और दोस्तों NCC स्पेशल एंट्री वालों के लिए कोई भी फी पे नहीं करनी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, जो इसमें आप ईमेल आईडी भरेंगे और मोबाइल नंबर भरेंगे वो एकदम वैलिड होना चाहिए और ईमेल आईडी को फिल करेंगे वो आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए और जो भी कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर देंगे वो भी आपका पर्सनल नंबर होना चाहिए। और दोस्तों फॉर्म फिलते टाइम ये याद रखना कि जो भी आप डिटेल फॉर्म में फिल करेंगे वो आपकी फाइनल होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट से वेरीफाइड होनी चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर आपको सर्विस सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा तो आपको वहाँ से वापस भी आना पड़ सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट से आपका फॉर्म फिल में डिटेल सेम नहीं हुई तो। और डेट ऑफ बर्थ फिल करते टाइम थोड़ा ध्यान से डेट ऑफ बर्थ फिल करना, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के लिए भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है जो कि दोनों को मैच किया जाता है, अगर दोनों सेम नहीं होते हैं तो उसमें आपको भी लौटना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी एपकैट के बारे में फुल जानकारी, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।